अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक मिनट सुन, पहले मुझे तुम्हारी आंखें बंद करनी पड़ेगी, ओके? नहीं तो जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो सरप्राइज में ही रह जाएगा, ओके? नंदन, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। बात वो नहीं है, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, हम खुद अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अब अगर तुम अपने हाथों से हमारी आंखें बंद करोगे तो तुम दिखा कैसे पाओगे जो तुम दिखाना चाहते हो? सरप्राइज, तुम्हारे हाथ तो बिजी हो जाएंगे ना। एग्जैक्टली, लॉजिक है तुम्हारी बातों में, तुम्हें बिल्कुल सही कहा। ओके, चल आंखें बंद करो। कम कम ऑन, 1 2 3। आंखें मत खोलना। ओके, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। क्या हुआ सुमन, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? नहीं नंदन, ऐसी बात नहीं है, ये हार तो बहुत सुंदर है। सुंदर है तो इसे मैं खुद पकड़ो। तो इसे मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा। नंदन, हम खुद पहन लेंगे ना, हम खुद पहन लेंगे। दो, लाओ ये पकड़ो, ये हार तो हमें, हम खुद पहन लेंगे, लाओ। लेकिन क्यों सुमन? तुम्हारा नंदन, तुम्हारा नंदन, तुम्हारा पति तुम्हारी सेवा में 24/7 हाजिर है, तो ये मैं खुद पहनूंगा, ओके? नंदन क्यों जिद कर रहे हो? हमने कहा ना हम खुद पहन लेंगे, प्लीज जिद मत करो, लाओ हार हमें दे दो, हम पहन लेंगे। बड़ी माँ, आपको बोलने की क्या जरूरत थी? आप चुप भी तो रह सकती थी ना, सुमन ने परिस्थिति को संभाल लिया था। अरे परिस्थिति को ही तो संभाल रहे थे हम सबका चुप्पी नंदन को परेशान कर सकता था, बेचैन कर सकता था, उसका हालत खराब हो जाता तो बताओ कौन संभालता नंदन को, बोलो। अरे नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई बात। सुमन, तुम मेरी पत्नी हो, ओके? मुझे तुम्हें छूने का अधिकार है, तुम्हें प्यार करने का अधिकार है, फिर भी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? हां सुमन, तुमसे दूर नहीं रहना। नंदन ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूं मतलब क्या? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम बार बार मुझसे दूर क्यों भाग रही हो सुमन? ये हार मैं प्यार से तुम्हें पहनाने के लिए लेकर आया था, खुद मैं इसे पहनाना चाहता हूँ तुम्हें, और मैं तुम्हें पहना के दूंगा सुमन। हो गया है सुमन तुम्हें? हाँ तुम एकदम अजीब सा बिहेव कर रही हो, तुम मेरी सुमन लगी नहीं रही हो। अरे मैं मानता हूं कि इतने दिनों के बाद अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ गया, क्यों क्यों तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? तुम मेरी पुरानी सुमन की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर रही हो सुमन। क्यों क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी वो सुमन नहीं हो जो मेरे साथ रहती थी, मेरी अरे खुशियों में खुश रहती थी, अब क्या हो गया सुमन? क्या हो गया नंदन? क्या करूं मैं? दिव्या, आप यहां। सुमन, तुम्हें वहां नीचे बुला रही है, नीचे जाओ। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर में केतारी है, नंदिनी है, इन सबको भेज सकते थे ना यहाँ पे सुमन को बुलाने के लिए। आपके छोटे भाई का कमरा है, मैं शादीशुदा हूँ, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, आपको आपको इतनी समझ है या नहीं है?
सॉरी नंद। खुद को संभालो सुमन, तुम तो सारी सिचुएशन जानती हो। खुद को कैसे संभाले अंशुमन जी, हमने आज से पहले खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया। जब एक लड़की किसी को अपना सब कुछ मान लेती है तो फिर उसके लिए पतिव्रता से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। एक ऐसी स्थिति में एक औरत के दिल में क्या चल रहा होता है ये आप नहीं समझ सकते अंशुमन जी। हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हम आपको समझा भी नहीं सकते। शायद तुम ठीक कह रही हो सुमन, लेकिन इस वक्त हमें धैर्य से काम लेना होगा। मैंने तुमसे वादा किया है सुमन, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा और ये सिचुएशन भी हम मिलकर हैंडल कर लेंगे। अंशुमन जी, ये सिचुएशन हम मिलकर हैंडल कर लेंगे, लेकिन कैसे? हर बार परिस्थिति हमें नंदन के साथ अकेला खड़ा कर देती है और नंदन भी कुछ समझने को तैयार नहीं है। हमारे हाथ से सब छूटता जा रहा है अंशुमन जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंदन भी कुछ समझने को तैयार नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं। हम समुंदर में आने वाले तूफान के उस किनारे खड़े हैं जहां हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। या तो हम नंदन पर चिल्ला देंगे या उसे सब कुछ सच बता देंगे, ये भी बता देंगे कि ये सब हम सिर्फ उसके तबीयत खराब होने के कारण कर रहे हैं। अंशुमन जी, आपको पता है जब भी हम नंदन के साथ अकेले होते हैं तो कुछ भी होने की संभावना होती है, कुछ भी, और हम नहीं कर पाएंगे, वो हमसे नहीं हो पाएगा। अंशुमन, मेरी बात सुन। देखो, मैं जानता हूं तुम समय के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसी हुई हो, लेकिन समय के इस चक्र से निपटना भी तो हम दोनों को मिलकर ही है ना। हमने परिवार को सब कुछ बताने का फैसला लिया था, पर तुमने देखा ना सारी सिचुएशन कैसे बदल गई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए आज और अभी हमने भी एक फैसला लिया कि हम वापस सुल्तानगंज चले जाएंगे नाना जी के पास। अंशुमन जी, हम यहाँ नंदन की मदद नहीं कर रहे, उल्टा उसके लिए और प्रॉब्लम्स बढ़ा दे रहे, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।